देखते हैं कि लोकप्रिय नेता कौन सा होना चाहिए? जहां विराजे मोदी योगी 24 में है सरकार, ठीक है, तो इन्हीं की आ रही है भैया, इन्हीं से यही है काफी और से है माफी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को एक मौका देना चाहिए। क्यों दे भैया, कौन है राहुल गांधी, कौन है राहुल गांधी जो हम राहुल गांधी को मौका दे दे? कांग्रेस का चेहरा है राहुल गांधी। जो आदमी साल के पाँच साल में 4.5 साल विदेश रहता हो, इलेक्शन के टाइम पे यहाँ आ जाता हो, ऐसे राहुल की यहाँ पे जरूरत नहीं है भैया, उधर विदेश भेजो। पर मौका देना चाहिए ना। देखिए जब हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम है, हमें राहुल जी की क्या जरूरत पड़ी है बताओ आप हमें? मोदी जी क्यों पसंद आ रहे हैं? देखिए भैया, एक नहीं हजारों की बात बताऊंगा मैं। इस हिंदुस्तान के अंदर 1947 से लेकर के और मोदी के आने तक कांग्रेस सरकार या अन्य किसी सरकार बैठी थी हिंदुस्तान के, आज भी ऐसे गांव, ऐसे जिला, ऐसे घर थे जिनमें लाइट नहीं पहुंची थी। लाइट देखने के लिए लोग तरस रहे थे। मैं सैल्यूट करता हूं मोदी जी को, समझे, जो उन्होंने भारत के हर घर में फ्री में बल्ब जला दिया। ये छोटी मोटी बात नहीं है। कोरोना की वैक्सीन लगवा दी, शौचालय फ्री दे दिए, गल्ला फ्री मिल रहा है, बहुत सारी योजना है, आयुष्मान कार्ड हमें मिला, मकान हमें मिल रहे हैं, जहाँ भी जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर खाता खुलवाने के लिए ना गारंटर ढूंढे जाते थे इस कांग्रेस के शासन में। आज मोदी जी का सख्त आदेश है बैंकों को, बोले घर जाइए और भाई साहब का खाता खोल के आइए। भैया कौन से नेता लोकप्रिय है जिसको जनता चाहेगी? हम तक की दिलों, अरे सुन ले भाई, हम भी 2014 में गए थे मोदी को वोट देने, 14 में भी दिया, फिर 19 में भी दिया, लेकिन भैया इसमें अब की बार नहीं देंगे। अब की बार इसलिए नहीं देंगे क्योंकि एक बात बताओ, सिलेंडर चार साल में रेट बढ़ते रहे, अब जब इलेक्शन आ गए तो रेट अब कर दिए मोदी ने कम, क्योंकि ये भैया, अरे सुन तो ले भाई लंबी लाइन क्या, अरे सुन तो ले भाई कोई सुनो, कोई बात नहीं, दो दिन और वेट कर लेंगे 400 रुपए करवा दे यार। देश कहां से आप उतार दिया? नहीं, अरे भैया ओ गैस का दुनिया भर का, अरे गैस का जवाब ले, गैस का, अरे भाई साहब गैस का जवाब, रुको रुको, कांग्रेस के शासन में एक एक आदमी के नाम में 25-25 कनेक्शन होते थे, उनके बाप की सरकार नहीं थी तो 25 कनेक्शन, अब 25 सिलेंडर लेकर के वो ब्लैक में बेचता देता। हमारे तुम्हारे जैसों को पूरी सर्दियों में सिलेंडर नहीं मिला करते थे, मेरी घरवाली, तेरी घरवाली, उसकी घरवाली, इसकी घरवाली हाथ से मार रही है वैन जो चूल्हे पे। अब बताइए, जब से भैया जब से मोदी सरकार आई है ना, अच्छे भले 150 रुपए बैंक खाते में आते थे, सब्सिडी मिलती थी, इन लोगों ने सब्सिडी बंद कर रखी है, सब्सिडी मिलनी बंद हो गई, देश के हित में पैसे लगा यार खरीद रहा है। अरे भाई अडानी अंबानी के हित में लगा दिए, उनके मजे आ रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि भैया हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में घूमेगा, और हवाई जहाज का सपना दिखाकर टमाटर 200 रुपए किलो कर दिए। भाई गरीब आदमी के घर में रोटी भी ना बन रही, क्या बात करेगा भाई, गरीब आदमी से जाकर पूछ। देखिए लोग अपने भाई, इसके ये इसका कहना था सिलेंडर था 500-600 रुपए का पहले, ठीक है, और तो हिंदू मुस्लिम और हो रहा है, बात में मरवा दिया हिंदू इन लोगों ने। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए एक सवाल का, जब ये कह रहा है सिलेंडर की कीमत बढ़ गई, तो उन्होंने हमारे को अब तक कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो फ्री में चल रही हैं? क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? क्या हम मैनेज नहीं कर सकते? मैं पहले 2000 रुपए कुंटल का गेहूँ खरीद के खाता था, आज वो मुझे फ्री में मिल जाता 2000 रुपए का गेहूँ, तो क्या मैं 1200-1500 रुपए का, 1100 रुपए का, 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकता? तो इसको मैनेज करने के लिए दिमाग चाहिए, वो तुम्हारे पास है नहीं, मोदी जी के पास है। आप एक बात बताओ, क्या है दिमाग? हाँ। दिमाग है मोदी जी के पास? अरे हाँ। यार कमाल कर रहे हो, ये चला रहे हैं। हाँ सुन, अब तक G20 हुआ यार, कोई भारत को जाना था क्या? अरे भाई मुझे एक बात, अरे भाई मुझे एक बात बताओ, G20 आज से स्टार्ट न हुआ, G20 20 देशों का एक वो है संगठन, जिसका 1999 में ये बना था G20 संगठन, और ये स्टार्ट पता कांग्रेस क्यों नहीं कर रहा भाई? इंडिया में
ये पता कब से होया वो सुनो, ये स्टार्ट हुई है 2007-08 से, और ये इसमें अब की बार ये इसकी इंडिया की बारी आई थी तो इंडिया में हो गया। इसमें मोदी जी का कोई वो नहीं है। अरे क्या सफल हो गया, क्या सफल हो गया, हजारों करोड़ रुपए वेस्ट होगा यार। तुम नु कह रहे हो सफल होगा, क्या सफल होगा? गंद में रहने की आदत है भाई को। अरे जवाब सुनो, जवाब भाई, ये हैंगे अंधभक्त, ये गोबर को भी च्यवनप्राश समझ के खावे है। दो सुनो सुनो, दो गिलास भर के धर दो, एक में दूध रख दो, एक में गाय का मूत रख दो। ये गाय का दूध नहीं पिएगा, गाय का मूत। अबे तेरा कैंसर का गाय के जो मूत होता है कितनी दवाई बनती है? ये सब सारे दंगा भड़काने के वाले हैं और कुछ नहीं है। कांग्रेस बोल के भाग जाते हैं। अरे सुनो, आपने आपने कहा, अरे सुनिए, अरे सुनो यार, आपने कहा एक कि एक गिलास में दूध है, एक गिलास में दूध है और एक गिलास में गाय की पेशाब है। शायद तुम्हें जानकारी नहीं है, तुम अनपढ़ हो, तुम गमार हो, ठीक है? पूछिए साहब, सुने, गाय की पेशाब पीने से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और गाय का दूध, अरे सुन, पहले दूध तो है ही हमारे लिए पीने के लिए। तुझे शायद मालूम नहीं है, मैं कुछ लीटर का नाम लेना नहीं चाहूंगा। हाँ, वो अपनी पेशाब को स्वयं पिया करते थे। कौन से देश में रहता है, स्कूल नहीं गया कमार? अरे भाई, भारत में रहते हैं। भारत के तुझे नॉलेज नहीं है। बिल्कुल, अगर ज्ञान होता तो पेशाब को नहीं बोलता। सुन, गोबर क्यों नहीं बात कर रहा? नहीं, अभी बात कर रहा पेशाब की। सुनो, ये भारत है, सुनो, ये भारत है। अब जा, यहाँ पे अभी जा, पता नहीं है, इधर नॉलेज नहीं है। गाय की पूजा की जाती है, गाय को भगवान मानते हैं, हैं मानते हैं नहीं? गाय का दूध पिया जाता है भाई साहब, और पेशाब की दवाई बना के उसको दवाई के तौर पर यूज करते हैं। लेकिन यो थोड़ी है कि सीधा दूध को छोड़ के गाय का पेशाब वो करो। अरे ये नहीं है, ये नहीं होता। यो तो भाई यो तो उसमें अंधभक्ति वाली बात होगी भाई साहब। तुम देशभक्त हो, तुम राहुल की बात करो तो देशभक्त हो गए हैं। तुम देशभक्त हो, तुम राहुल की बात करो तो देशभक्त हो गए हैं। हम अंधभक्त हो गए हैं।